मतलब इनको खेसारी लाल यादव ऐसे ही नहीं कहा जाता है, खेसारी लाल यादव कहने के पीछे का बहुत बड़ा राज है। देखिए खेसारी लाल यादव को पहचानना और खेसारी लाल यादव से तुलना करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। देखिए खेसारी लाल यादव का जो गाना आता है हमारा जिला, इस पे आपने बहुत से रिव्यू देखेंगे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिखाए होंगे, बहुत से चैनल पे आपने बहुत कुछ देख लिए होंगे, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों खेसारी लाल यादव का आदि शक्ति फिल्म से आता है हमार जिला सॉन्ग, जो कि एक ही दिन इसको शूट किया जाता है और एक ही दिन गाने को मतलब पूरी तैयारी करके इसको रिलीज किया जाता है। अनाउंस होता है भाई खेसारी लाल यादव का ये गाना मतलब झटके में आ गया सामने। देखिए इसके पीछे का असली राज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन में शूट करना, एक ही दिन में सब कुछ करने के बाद और एक ही दिन में गाने को छोड़ना, इसके पीछे का कहानी ये है कि देखिए बहुत से लोग हैं जो खेसारी लाल यादव को टारगेट करके चलते हैं कि खेसारी लाल यादव को गाने आएंगे और उस गाने को कॉपी करके विवाद कर लेंगे खेसारी लाल यादव से, उनके साथ साथ मेरे भी गाने चल जाएंगे और उनके बदौलत मैं भी थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव ये गाने पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते थे। देखिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस लगन का सबसे बड़ा जो सॉन्ग होगा ना खेसारी लाल यादव का, ये हमार जिला सॉन्ग होगा। इसको डीजे पे भी बहुत ज्यादा बजाया जाएगा और ऑर्केस्ट्रा में, तो इस गाने को भाई मतलब पूछो मत, इस गाने का बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बता सकते हो। और देखिए जो गाने का बोल है ना भाई, सुनने के बाद मतलब मुझे लगता है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बिहार में स्टेट है हर स्टेट में इस गाने को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और इस लगन तो भाई ये गाना मतलब कहीं गया नहीं है, इस लगन खेसारी लाल यादव का गाना बहुत ज्यादा बजने वाला है। देखिए इस गाने में कहानी क्या हम आपको बता देते हैं कि इस गाने में कोई कहानी नहीं। अरे यार हर गाने में आप कहानी खोजोगे तो गाने में मजा नहीं आएगा ना। कोई गाना ऑर्केस्ट्रा के लिए भी निकाला जाता है, कोई गाना आपको कहानी के साथ निकाला जाता है, कोई गाना सैड सॉन्ग होता है, लेकिन इस गाने में मैं आपको बता दूं कि इस गाने में कोई कहानी नहीं। हर गाने में कहानी होना जरूरी नहीं है भाई, खेसारी लाल यादव ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो चलिए देखिए इस गाने को एंजॉय कीजिए। देखिए इस गाने को आदिशक्ति फिल्म पर रिलीज किया गया है, तो इस गाने को आप जाइए और गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए। देखिए खेसारी लाल यादव का ये जो सॉन्ग था एक ही अलग ही लेवल का था, मुझे तो लगता है कि इस लगन ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। ये मेरी राय है, आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।